चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस चार्ज इन द कॉइल इंडिपेंडेंट ऑफ द, देखो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डी फाइव बाई डी टी, या अगर मैं मॉड के टर्म में लिखूँ तो डी फाइव बी बाई डी टी लिखूंगा। करंट क्या होती है, करंट ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर, तो ईएमएफ की वैल्यू लिखूँ तो डी फाइव बी बाई डी टी लिखूंगा। और आई की वैल्यू क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी, इंड्यूस चार्ज अगर मैं निकालूं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर डी फाइव बी बाई डी टी, तो इसको क्या लिख दूंगा, डी फाइव बी इज इक्वल टू वन अपॉन आर डी फाइव बी, क्या इंड्यूस चार्ज, ये क्या लिख दिया, गड़बड़ लिख दिया मैंने, इसको इरेज कर दें, ये डी क्यू है, ये डी क्यू है, डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, या ऐसे कहो कि काट दिया डी टी को, तो डी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर डी फाइव बी, इसका मतलब ये इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ है इंड्यूस ईएमएफ, ये इंड्यूस करंट है और ये इंड्यूस चार्ज है। इंड्यूस चार्ज में क्या डी टी आ रहा है, नहीं आ रहा है, टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया ना, यही तो पूछ रहा है किससे इंडिपेंडेंट होता है, तो आंसर है टाइम से, ये आंसर आपका अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।